अगर फंक्शन है, फंक्शन इज सम कांस्टेंट फंक्शन ए, अगर आपके पास फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है और इस कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सो वी राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इनटू डीएक्स, एंड इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ए डॉट एक्स, ए इनटू एक्स, ठीक है, इसका जो रिजल्ट होगा वो ए इनटू एक्स होगा। प्लस सी सम कांस्टेंट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा के रखते हैं, वो इसलिए इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स मेथड है, रेसिप्रोकल मेथड है, रेसिप्रोकल भी नहीं कहना चाहिए, कन्वर्स है, उल्टा है, डिफरेंशिएशन में हम डिफरेंशिएट जैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन वाली सिचुएशन अगर हाथ के अंदर है आपके सामने है तो वहां से एक्चुअल फंक्शन कैसे मिलेगा आपको, तो आपको उसको कन्वर्स मेथड में जाना पड़ेगा, द कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए जीरो का इंटीग्रेशन कुछ कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट क्या होगा वो लिमिट्स बताएंगी कि कांस्टेंट होगा भी नहीं होगा, तो इसलिए हम प्रिकॉशनरी ऐसे फॉर्मूलों में प्लस सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अटैच करके रखते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स की पावर है, ऐसा फंक्शन है, तो इसके इंटीग्रेशन में वी राइट आई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एंड दिस कंप्यूट्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप कैसे समझें, अगर कहीं पर एक्स क्यूब डीएक्स ऐसे दिया हुआ है आपको और इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, तो आप इसको लिखेंगे एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी, ये हो गया एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, इसका ये रिजल्ट है, ठीक है, दैट इज हाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी इंडेक्स, दिस इज ट्रू फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है, एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये ध्यान रखना, एन अगर माइनस वन हो गया तो माइनस वन प्लस वन ये जीरो हो जाएगा, एंड समथिंग अपॉन जीरो बिकम्स इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला सारी वैल्यू के लिए चलेगा, चाहे वो फ्रैक्शन हो, ठीक है, चाहे वो रेशनल नंबर है, चाहे वो कोई भी इंटीजर है, सभी के लिए चालू ये लागू होगा, बस एन माइनस वन के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि जब एन की वैल्यू माइनस वन होगी, जब n की वैल्यू माइनस वन होगी तब ये फंक्शन किस टेक्स ऑफ द फॉर्म वन अपॉन एक्स, स्पेशल फॉर्म है ये वन अपॉन एक्स, और इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स ये हमने अभी यूज किया था, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। नाउ इफ फंक्शन हमारे पास है e टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन जो है e टू द पावर एक्स डी एक्स ये सेम रहता है, ऐसे ही रहता है e टू द पावर एक्स प्लस सी। अगर ये फंक्शन a टू द पावर एक्स ऐसे आ जाता है, जैसे 3 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, 7 की पावर, किसी कांस्टेंट की पावर एक्स ऐसे आ जाता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अंदर वी राइट ए टू द पावर एक्स टी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए नेचुरल लॉग है प्लस इससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये जनरल हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और इसमें आते हैं,
वो और लिख लीजिए आप, साइन एक्स। अगर फंक्शन साइन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, जबकि डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। एफ एक्स अगर फंक्शन कॉस एक्स की फॉर्म में तो इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस, इस तरीके से आएगा। यही एफ एक्स यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2x, 3x, 4x, हाफ x ऐसी कुछ आ जाएगा, तो दिस विल बी रिटन एज साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए, ये जो कोफिशियंट है नीचे भी आएगा प्लस, ठीक है। ऐसी कॉस ए एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी माइनस कॉस एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, माइनस कॉस ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स अपॉन। ये कॉमन फॉर्मूले जो आपको यूज होंगे, सबसे ज्यादा जो यूज होंगे वो ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, और ये चार फॉर्मूले यूज होंगे मोस्टली आपके, बाकी कहीं कहीं यूज होंगे तो जहां पे जैसी सिचुएशन है वहां पे उसके हिसाब से हम उसको याद करवा दूंगा मैं।